हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एक्सेल एकेडमी KJR। और कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होप के ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग गुड एट योर होम्स। ओके, सो स्टे सेफ एट योर होम्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। ओके बच्चों, तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है ना? ड्यू टू सर्टन रीजंस वीडियोज संतोष सर के तो आ रहे थे बट मेरे नहीं आ रहे थे, बट होपफुली हम लोग अब से कंटिन्यू करेंगे, है ना बच्चों? ओके, तो हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ रहे थे बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि डोंट टेक थिंग्स कैजुअली, बिकॉज बच्चों भले ही बोर्ड वाले आपके कुछ सिलेबस कट कर सकते हैं, है ना, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज ये नॉलेज आगे के पढ़ाई में बहुत काम आने वाला है बच्चों। जब हायर क्लासेस में आप जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आईसीएसई मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका तो 70% साइंस लगभग पढ़ा दिया जाता है 10th तक, ठीक है? 11th 12th में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, बट अगर आप किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक को इग्नोर करते हो, देन यू विल गेट योर सेल्फ इन टू ट्रबल। ओके, सो बी कॉशियस, ओके, एंड बी सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडीज एंड take it as a positive thing that you are getting so much of time to prepare yourself for your self study, hai na? So we were studying about chemical bonding, theek hai? Chemical bonding ka introduction ho chuka tha, chemical bonding ka introduction ho chuka tha bachcho, chemical bonding jo videos nahi dekhe please videos ko dekhe, hai na, pura dekhe, complete manner mein dekhe, aur jo abhi bhi khel kood mein lage hue hain, gharon mein baithkar time pass kar rahe hain, unse bhi ye nivedan hai ki kripya padhai kare, ठीक है? खेलकूद तो साथ में करें, गुपचुप भी बनाए, चाट भी बनाए और साथ में पढ़ाई भी करते रहे, है ना? ये क्या सर, आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? गुपचुप बनाने के बारे में बोल रहे हैं? हम बोल नहीं रहे, हम याद दिला रहे कि आप लोग बना रहे हो, ठीक है? तो यहाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनने के लिए बच्चों एक डोनर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, दूसरा एक्सेप्टर होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी हम लोग देखे थे कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, है ना? डोनर का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, बहुत कम होना चाहिए, शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड बी मोर और लार्ज। देन वी कैन से दैट दीज कंडीशंस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सोडियम स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना? कहां से स्टार्ट करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का डिस्कशन होगा। सबसे पहला डिस्कशन जो होगा वो किसका होगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है? तो सोडियम क्लोराइड में जो दो एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट हैं, एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, है ना? एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, है ना? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2, 8, 7, है ना? 2, 8, 7, ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, फाइन। दैट मीन्स सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना? अच्छा, सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? That is neon, है ना? और neon का electronic configuration कितना है बच्चों? 2, 8। अच्छा, उसी तरीके से देखो, chlorine का nearest noble gas कौन है? Nearest noble gas, ठीक है? कौन है? ना argon, और argon का electronic configuration कितना है? 2, 8, 8, ओके? हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये बोले थे कि during the bond formation और during chemical bonding, है ना? जब chemical bond formation होता है, ओके, by transfer of electron, तो जो एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2, 8, 1 है और उसका नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा बनाना चाहेगा, जिसके लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा? सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तब वो बन जाएगा 2, 8, है ना? सॉरी, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तब वो बन जाएगा Na प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2, 8, जो कि नियॉन से मैच करता है, तो सोडियम क्या किया? सोडियम को उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका है, उसे अचीव करना है नियॉन का, बिकॉज़ नियॉन उसका नियरेस्ट नोबल गैस है।
वो करेगा कैसे, है ना, इसके पास तो वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा, वो लूज कर देगा, जब लूज करेगा तो वो एन ए प्लस बन जाएगा, और एन ए प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है जो कि नियॉन से मिलता है। उसी तरीके से क्लोरीन को आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बन जाएगा सीएल माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2-8-8। समझ में आया? तो इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन क्या करेंगे, ना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, एन ए प्लस बनेगा, है ना, और अपना नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, ना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन बनेगा और नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या हो गया, ना सोडियम बन गया एन ए प्लस और क्लोरीन बन गया सीएल माइनस, क्लोरीन क्या बन गया सीएल माइनस। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों क्या बन जाएंगे NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। समझ में आ गया, ये तो हो गया प्रोसेस, समझ में आ गया आपको। ओके, अब हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में दो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है, एक तो वो बोल सकता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, कि तुम लिखोगे सोडियम एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, क्लोरीन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7, द नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ सोडियम इज 2-8-1, सॉरी नियॉन व्हिच हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8, सो इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Na+, एंड ऑन द अदर हैंड क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स क्लोराइड आयन दैट इज Cl-, after that the sodium ion that is positive in nature and chloride ion that is negative in nature, electrostatic force bahut strong hota hai bachcho, electrostatic force between these two develops and results in the formation of sodium chloride. Okay, gaya ab uske baad ye mita rahe hain, theek, ab uske baad dekho puchega kya, do teen cheez puchta hai, ionic equation bolega, ionic equation likh karke dikhao, already hum log likh chuke the, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, पूरे आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए आयनिक इक्वेशन लिख करके दिखाओ। तो पहले स्टेप में हम लोग बोलेंगे कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Na+, है ना, क्या बन जाएगा Na+। ओके, अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो इसे हम लोग यहां पर लिख दे सकते हैं, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सोडियम, है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, तो सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद उसी तरीके से क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों और बन जाएगा सीएल माइनस, दैट इज क्लोराइड माइनस, है ना, वन माइनस लिख सकते हो, इसे वन प्लस लिख सकते हो, इसे वन माइनस लिख सकते हो, और ये क्या हुआ, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो यहां ब्रैकेट में लिख दिए रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन को सम अप करते हैं, ठीक है, दैट इज Na, ठीक है, प्लस Cl गिव्स राइज टू, हम सोडियम लिए और क्लोरीन लिए, अब सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को और खुद Na+ बन गया, Na1+, प्लस दूसरी तरफ क्या है ना Cl- Cl1- और ये दोनों मिलकर के बन गए NaCl, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया, दिस इज द आयनिक इक्वेशन, आप चाहो तो नीचे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 2-8-1, और इसका कितना है 2-8, क्लोरीन का कितना है 2-8-7, और इसका कितना है 2-8-8, ठीक है, लिख दिया, फाइन, ओके। तो ये हो गया बच्चों सोडियम क्लोराइड इस तरीके से बना, पहले पॉजिटिव आयन बने और वो पॉजिटिव आयन एक साथ कंबाइन हो गए और NaCl बन गया, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिख लिए बेटा, दे ओके, सब नोट डाउन कर लोगे बच्चों, ओके। उसके बाद बहुत बार, मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड का नहीं लेकिन दूसरे किसी का भी पूछा जाता है, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, कौन सा डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, डायग्राम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते, स्ट्रक्चर या डायग्राम ही बोल सकते हो, ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो एक सोडियम का एटम ले लो, ठीक है, सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करना है इस डायग्राम में, इस स्ट्रक्चरल डायग्राम में, रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे एक डॉट से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, उसके बाद प्लस
क्लोरीन ले लिए, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सात हैं, तो सात को सात डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दो चार छ एक सात, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, दैट इज 281, और इसका है 287, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम लोग एक एरो मार्क के थ्रू दिखाएंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और देगा किसे? क्लोरीन को, इस तरीके से शो करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, पहले तो सोडियम का सिंबल लिखे, क्लोरीन का सिंबल लिखे। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बना दिए, है ना, डॉट स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए डॉट बना दिए, ओके। और क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है तो सेवन बना दिए। अब सोडियम से निकलकर इलेक्ट्रॉन जाने वाला है क्लोरीन में, तो एक एरो मार्क इस तरीके से, कर्व वाला एरो है ना, इस तरीके से दिखा दिए, जंप हो रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है ना, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद का जो स्टेप होगा उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ना, अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इट विल बी Na सिंपली 1+, ऐसे लिख दिए, ठीक है। प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन से? 8, तो क्लोरीन के 8 डॉट्स बना दो, ठीक है, और यहां लिख दो 1-, बिकॉज चार्ज तो 1- आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वाले स्टेप में लिख दोगे गिव्स राइज टू NaCl, गिव्स राइज टू NaCl, ठीक है, गिव्स राइज टू NaCl, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। मिटाते हैं, मिटाते हैं, ओके। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक और ऑर्बिट स्ट्रक्चर, एटॉमिक और ऑर्बिट स्ट्रक्चरल डायग्राम, ये हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है, स्कूल वाले एग्जाम्स में भले ही पूछ ले, बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है, बहुत रेयर, रेयर और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ठीक है। ये देखो, तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सोडियम का, है ना, सोडियम का एटम का बड़ा ही मुश्किल काम है, एक दो तीन ऑर्बिट्स, है ना, आप हमसे अच्छा ही बनाओगे उम्मीद है, दो चार छ आठ, यहां बना दो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, है ना। उसके बाद क्लोरीन का, क्लोरीन भाई साहब का अच्छा पूरा बनाना है, एक दो, एक ही वाली दो, ये पास पास में आ गए, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर आठ दो हो गया, चार छः आठ, और बाहर में सात, बाहर दो चार छः एक सात, ठीक है। अब यहां से फिर वही प्लस साइन याद है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर इधर आएगा, ठीक है, बाद में बन जाएगा क्या, बाद में बनेगा Na+, एक दो ऑर्बिट्स होंगे, तीसरा ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था वही नहीं रहा, तो ऑर्बिट कहां से रहेगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, दैट इज 2 और 8, ये बड़ा ही अजीब सा डायग्राम है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत टाइम लगता है ना, 1+, और इसे पूरे हम लोग एक बड़े से इसमें रख लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ 1+ लिख दिए, और उसके बाद क्लोरीन का उसी तरीके से बना लोगे, क्लोरीन का एक दो तीन, दैट इज दो चार छः आठ, यहाँ तो यहाँ भी आठ हो जाएगा, चार छः, और ये हो गया आठ, यहाँ पर 1-, ये बन गया बच्चों, है ना, देख लो, अब हम दोबारा नहीं बनाने वाले हैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड और वो कैल्शियम ऑक्साइड, वो सब में हम ये नहीं बनाने वाले बिल्कुल, आप समझ जाओ कि कैसे बनाना है ना, ओके। तो ये था बिफोर कॉम्बिनेशन, ये है आफ्टर कॉम्बिनेशन, ये है कंबाइन करने से पहले ये स्थिति है, कंबाइन करने के बाद वो रिजल्ट है, ओके, ठीक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का खत्म,
अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं किसके बारे में, किसके बारे में ना, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम का देखो आयनिक इक्वेशन बनाएंगे, आयनिक इक्वेशन और डॉट डायग्राम, है ना, आयनिक इक्वेशन। देखो कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 8 ये तो, हाँ ओके, आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो को लूज कर देगा, -2 इलेक्ट्रॉन, है ना, गिव्स राइज टू Ca2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, खत्म। उसके बाद ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बच्चों, तो इस स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेप बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इस स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। उसी तरीके से देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2.6, ओके, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बन जाएगा O2-, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2.8। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन को सम अप करो तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, ना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज, हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिए थे, कैल्शियम लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे, गिव्स राइज टू, हमें पहले स्टेप में क्या मिला, Ca2+, और दूसरे स्टेप में क्या मिला, O2-, और ये दोनों कंबाइन होकर बन गए CaO। ठीक है, तो ये हो गया आयोनिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो स्टेप है इसे हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का आयोनिक इक्वेशन हो गया बच्चों। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इधर ही देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और डायग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाएंगे, है ना, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 8 8 2 था ना। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, है ना, दैट इज 2 8 8 2 प्लस, इसमें ऐड कौन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, है ना, आउटर मोस्ट सेल में है, कहाँ आउटर मोस्ट सेल में, टोटल में 6 नहीं है, टोटल तो 2.6 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम लोग क्या बोले थे, एरो मार्क से जंप कराएंगे, दिखाएंगे इधर ऐसे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस स्टेप के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप होगा, दैट इज, अब कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों चले गए, तो आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं, तो Ca2+। और ऑक्सीजन के पास देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले 6 थे और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने हो गए, 8, तो हम लोग लिखेंगे उसे किस तरीके से, ना प्लस ऑक्सीजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन बना दो एंड बाहर में लिख दो 2-। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हम लिखेंगे दैट इज CaO, गिव्स राइज टू CaO। ओके, समझ में आ गया, तो ये था बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, एटॉमिक और ऑर्बिट स्ट्रक्चर आपका होमवर्क है, चलो आप घर में बैठकर करो, एटॉमिक और ऑर्बिट स्ट्रक्चर जो है वो आपका होमवर्क है, बनाओगे बनाकर अच्छे से बनाकर भेज दोगे, पर आप खुद तो अच्छे बनाते नहीं है, हमें सिर्फ बोल रहे अच्छा अच्छा बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, बनाओ आप लोग ही अच्छा अच्छा, इधर जैसा बन पा रहा है मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हमारा टॉपिक चल रहा है, और नेक्स्ट ये कंपाउंड छोटा दिख रहा है इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में पहले देखो आपको पता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 2 2 8 2, और क्लोरीन 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 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 7। अब दुविधा है ना, प्रॉब्लम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनी हो, बिकॉज इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8, तो ये अपना भी 2 8 बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, आर्गन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, तो इसके पास ऑलरेडी 7 है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करेगा, तो अब क्या हो गया, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो नहीं बन सकता बॉन्ड। बन सकता है कैसे, क्लोरीन के और एक एटम ले लेंगे, एक क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और एक क्लोरीन का एटम होगा तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो हो गया ना, ठीक है नहीं। तो हम लोग यहां पर दो क्लोरीन के एटम्स को लेंगे बच्चों, है ना, कितने क्लोरीन के एटम्स को लेंगे, दो क्लोरीन के एटम्स को, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशियम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल से दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, Mg, देखो इसको आयनिक इक्वेशन लिख देते हैं, वो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, एक ही बार में पढ़ भी लोगे, सारा काम मेरा भी आसान, आयोनिक इक्वेशन, ओके, आयोनिक इक्वेशन। ये देखो मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन 282 है ना, मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन 282 है, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Mg2+, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, दो क्लोरीन लेना पड़ेगा, हम पहले ही बोल चुके हैं, बैलेंसी के हिसाब से आप अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो यहां पर भी देख सकते हो कि ये दो लूज करने वाला है, लेकिन एक क्लोरीन का एटम एक एक्सेप्ट कर सकता है, तो दो क्लोरीन के एटम्स होंगे तो वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो 2Cl plus 2 इलेक्ट्रॉन्स gives rise to 2Cl 1-, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, रिडक्शन, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, ओके। नाउ समिंग अप दीज टू स्टेप्स, इन दोनों स्टेप्स को जोड़ देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम लिए, ठीक है, प्लस दो क्लोरीन के एटम्स लिए, वो बन गया Mg2+ एंड 2Cl-, ठीक है, फाइनली वी गॉट MgCl2, MgCl2। सो दिस इज द आयोनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, देखो तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बना लो, दैट इज मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस क्लोरीन तो दो लिए जाएंगे बच्चों, है ना, क्लोरीन कितने लिए जाएंगे, दो लिए जाएंगे, तो एक क्लोरीन थोड़ा ऊपर में, एक क्लोरीन थोड़ा नीचे में, इसके बना दो 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बना दो 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन टकरा गया सर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दिया, है ना, और ये क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो हम लोग बोलेंगे इट विल गिव राइज टू व्हाट, Mg2+ प्लस दो क्लोरीन के एटम है, दोनों को साथ में लिख सकते हैं, है ना, दैट इज क्लोरीन, ऐसे बना लो, अब हर एक क्लोरीन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसके पास देखो 7 थे, एक आ गया 8, इसके पास देखो 7 थे, एक आ गया 8, तो 8 लिख दिए, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देते हैं, यहाँ प्लस साइन को थोड़ा यहाँ लिखें, और यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर 1-, या 1-, ओके, तो सिर्फ माइनस जो लिख सकते हो, ठीक है, एंड इट विल गिव राइज टू MgCl2, ठीक है, MgCl2। तो ये हो गया बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों, और दो तीन क्लासेस लगेंगे और केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करने के लिए, ऐसे तो दो दिन में भी खत्म हो सकता है, बट बेटर है कि आप लोग अच्छे तरीके से आराम से पढ़ाई करते रहो, समझ समझ के पढ़ो, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और हम लोगों के पास अच्छा खासा समय भी है, हम लोग यूटिलाइज करेंगे होपफुली, पूरे मई के मंथ में हमें पढ़ना है, जून पढ़ना है, छुट्टी वुट्टी तो है नहीं, सब पूरा ही छुट्टी है, और एक तरफ से देखो तो पूरा छुट्टी, एक तरफ से देखो तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, ठीक है। आप अपना काम कर रहे होगे ऑब्वियसली, स्कूल वाले भी आपको वीडियोस भेज रहे होंगे, वो भी आप कर रहे होगे, हम लोग भी भेज रहे हैं तो आप वो भी कर रहे होगे, है ना। किसी भी चीज को बिल्कुल भी अपने आप को रीजन मत दो कि हाँ सर ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं हो पा रहा सर, बहुत सारा होमवर्क हो जा रहा है सर, कैसे करेंगे सर, सर मर जा रहे सर, नहीं ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आप लोगों को करना है, करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम निकालो बच्चों, टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली आराम से सब कुछ हो पाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो कि इतने बजे इतने टाइम से इतने टाइम तक हम लोग ये वीडियो देखेंगे, या ये काम करेंगे, या होमवर्क करेंगे, क्या करेंगे, वो अपना टाइम टेबल एक बना लो। तुम लोग टेंथ में हो और तुम लोगों का प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं चलेगा बच्चों, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी सेंसियर, यू हैव टू बी वेरी ओबीडियंट एंड ऑनेस्ट
towards yourself. Okay, that's all for today. Have a nice day. Thank you.